21, नेक्स्ट करते हैं 22, 22, अच्छा, इफ द पीथ क्यूथ एंड अर्थ, ओके, nth टर्म जैसे बोलते रहते हैं वैसे ही p वाला है, नंबर कौन सा है पता नहीं, q और r वाली टर्म जो है ऑफ अ जीपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। अच्छा पहले तो इसको समझ के लिखो, अगर मेरा कोई जीपी है उसमें pth टर्म गिवन है, मतलब हमें a, अगर सेकेंड टर्म गिवन है तो हम A2 लिखते थे, तो pth टर्म गिवन है तो AP लिखते हैं। चलो तो AP इज इक्वल्स टू क्या है, AP इज इक्वल्स टू है A, फिर AQ इज इक्वल्स टू क्या है B, फिर AR इज इक्वल्स टू क्या है सी। C। अच्छा ऐसा है, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है क्या, A रेस टू Q माइनस R, B रेस टू R माइनस P, C रेस टू P माइनस Q इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। A रेस टू Q माइनस R, B रेस टू R माइनस P, C रेस टू P माइनस Q इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। ओके ए पीथ टर्म ए है, पीथ टर्म हमारा क्या है ए है, कहाँ गया 22, हाँ पीथ टर्म ए है, क्यूथ टर्म बी है, बस यही की मैंने, अच्छा और ये प्रूव करना है। ओके कैसे आगे बढ़े, सबसे पहले तो से A रेस टू देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर ए एंथ टर्म हो, ए एंथ हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए आर रेस टू एन माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं, एंथ टर्म के लिए an इज इक्वल टू ar n-1 ऐसा लिखते हैं हम, करेक्ट। तो हम इसके लिए भी लिखते हैं, देखो ए पी के लिए क्या लिख देंगे, ए आर पी माइनस वन लिख सकते हैं, करेक्ट ओके। देन ए क्यू के लिए भी लिख सकते हैं, ए आर क्यू माइनस वन, ए आर, अरे यार ये आर आर हो गया, इसको कुछ और बोलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने, चलो बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं, उन्होंने ही दिया है ऐसा, तो ए आर रेस टू आर माइनस वन, डन, समझ में आ गया ये कैसे लिखा। ओके अब हम लेते हैं LHS इज इक्वल्स टू दिस, ये ले लिया LHS। अब LHS में क्या है, ए रेस टू समथिंग है, ए क्या है मेरा AP, AP क्या है मेरा ये रहा, तो मैं वो लिखता हूं ए आर रेस टू पी माइनस वन होल रेस टू क्यू माइनस आर, ऐसा है, समझो क्या किया, LHS लिया, ये रहा मेरा LHS। अभी LHS में पहले क्या है A, तो A की वैल्यू तो मेरे पास है AP, तो AP मतलब तो ये है, तो A की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि A इज इक्वल टू AP और AP इज इक्वल टू दिस, तो ये जो वैल्यू है वो मैंने A की जगह पुट की, तो ये A की जगह मैंने लिखा ARP-1 रेस टू क्यू माइनस आर था तो रेस टू क्यू माइनस, समझ में आया पक्का सबको। ओके अब वैसे ही बी का करते हैं, तो बी बी रेस टू समथिंग है, बी क्या है ए क्यू, ए क्यू क्या है ये रहा, सो से ए आर क्यू माइनस वन है होल रेस टू आर माइनस पी है, एंड यहां पर सी, सी क्या है ए आर, ए आर क्या है ये, तो ए आर आर माइनस वन होल रेस टू क्या था पी माइनस क्यू, डन, समझ में आया क्या क्या। ओके भाई देखो थोड़ा अटपटा है, देन अब सबका ऊपर से पावर ले लेते हैं, तो क्या होगा ए रेस टू क्यू माइनस आर हो जाएगा इंटू आर रेस टू पी माइनस वन, डन, आर रेस टू पी माइनस वन इंटू हो जाएगा क्यू माइनस आर, सही है, ये दोनों को पावर दे दिया, अगर टू होता तो क्या करते स्क्वायर कर देते, तो ए स्क्वायर और ये भी टू कर देते, तो
तो ऐसे ही क्यू माइनस आर है, तो ए क्यू माइनस आर और ये जो था उसको टू से मल्टी, उसके टू मतलब जो क्यू माइनस आर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। देन आगे तो ये क्या हो गया, ए आर माइनस पी इंटू आर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। डन। लास्टली ए पी माइनस क्यू इंटू आर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू आर माइनस पी आर माइनस पी। डन। ओके नाउ इक्वल टू, अब ए बेस सेम है तो सबका प्लस होगा, तो ए बेस सेम है, ये इसका 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 और इसका बेस सेम है, सो ए रेस टू हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस। डन। अब आर का भी बेस सेम है तो इनटू आर, अरे यार ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो यहां मल्टीप्लाई करो, देखो पी से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर, पी से दोनों को किया तो पी क्यू माइनस पी आर हुआ। ओके फिर माइनस वन से किया तो माइनस क्यू प्लस आर। डन। ओके वैसे ये दूसरा आर है, दूसरा आर, दूसरे आर का भी क्या है मल्टीप्लाई करो, तो क्यू का दोनों से कर रहा हूं, सो से क्यू आर माइनस क्यू पी। डन। माइनस आर प्लस पी, और तीसरा भी ऐसे ही कर रहा हूं आर का, तो क्या है आर का दोनों से मल्टीप्लाई करे तो पी आर माइनस क्यू आर, करेक्ट, माइनस पी प्लस क्यू। डन। सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। डन। समझ में आया। अब देखो यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू कट, माइनस आर प्लस आर कट, माइनस पी प्लस पी कट, तो ए रेस टू तो जीरो हो गया, क्या हो गया ए रेस टू जीरो, ए रेस टू जीरो तो वन होता है। डन। अब ये आर है, आर अब ये आर भी बेस सेम है तो सबका सम करेंगे, तो सबका सम कर दे तो देखो यहां पर लिख दू पी क्यू है, फिर प्लस करेंगे यहां पर माइनस पी क्यू भी आ जाएगा, ये रहा क्यू पी मतलब पी क्यू हो गया, तो कट माइनस आर पी प्लस आर पी कट माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस, सब कुछ कट हो गया, तो वो भी ए रेस टू जीरो एंड आर रेस टू जीरो, तो ये वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन दैट इज इक्वल टू आर एच एस। डन। तो थोड़ा देखने में जैसा भी लगे लेकिन ये तीन चीज गिवन है। अब मेरे पास ए एन का फॉर्मूला है, तो जैसे nth टर्म के लिए ऐसा लिखते हैं वैसे pth टर्म के लिए ऐसा लिखेंगे, qth टर्म के लिए ऐसा और rth टर्म के लिए ऐसा, फिर हमें जो गिवन है LHS उसमें a a तो ये रहा तो वो तो AP है, तो AP का फॉर्मूला तो वहां पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करते करते गए आंसर आ गया। डन।